दुकान में रखा लाखों रुपए का सामान आदि जलकर राख हो गया। दुकान मालिक रामगोपाल मंगल ने बताया कि सुबह दुकान खोलने के बाद दुकान के पिछले हिस्से में आग की लपटें उठने लगी, वह तेजी से पूरी दुकान में फैल गई। आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग की सूचना मिलते ही पूर्व जिला पार्षद ललित गोयल, GSS प्रागपुरा, चेयरमैन उपेंद्र सिंह शेखावत, पार्षद राजू पारेख, समाज सेवी शक्ति सिंह शेखावत मौके पर पहुंचे। वे पड़ोस में काम करने वाले विकास सैनी पप्पूराम, पिंटू गोयल, घनश्याम हिलाल आदि के सहयोग से एक घंटे की कड़ी मेहनत के बाद आग को काबू में कर लिया गया। इस दौरान विधायक प्रतिनिधि मौके पर पहुंचे। पावटा प्रागपुर नगर पालिका ईओ हरिनारायण यादव को मौके पर दमकल लेकर आने की बात कही। ईओ यादव दमकल ने नगर पालिका कर्मचारियों को लेकर मौके पर पहुंचकर आग बुझाने की मदद की। पावटा तहसीलदार ओम प्रकाश गुर्जर हल्का पटवारी मौके पर आकर नुकसान का जायजा लिया। पीड़ित को ढाढ़स बांधने के लिए चेयरमैन प्रतिनिधि निर्मल पंसारी, प्रधान प्रतिनिधि जगन चौधरी, वॉइस चेयरमैन अशोक सैनी व नरपत सिंह शेखावत, पूर्व उप सरपंच कैलाश सैनी आदि लोगों ने पीड़ित को ढांढस बंधाया।